Alright, so finally Nvidia ने अपने बजट सीरीज का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड को अनाउंस कर दिया है इस साल के CES 2022 में। एंड भाई इस कार्ड का हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट Nvidia था कि नहीं मैं लॉन्च नहीं करूँगा, अभी तो मैं रुकूंगा, अभी तो मैं और भी वेट कराऊंगा, अभी तो मैं और भी तड़पाऊंगा। बट फाइनली Nvidia ने अनाउंस कर दिया अपना RTX 3050 CES 2022 में। एंड भाई ये जो कार्ड होने वाला है ये एक बजट 1080p कार्ड होने वाला है। एंड जो भी लोग भाई वेट कर रहे थे RTX का 3050 के लिए, तो भाई अब मे बी वो RTX 3050 के साथ बिल्ड कर सकते हैं एंड कम प्राइस में एक ग्राफिक कार्ड RTX सीरीज का वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। आई होप सो। बट ओवरऑल ये जो ग्राफिक कार्ड, ये डेफिनेटली हम बजट गेमर्स के अराउंड काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाला है, बिकॉज इसके ऑन पेपर जो स्पेक्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपको सेकेंड जेन रे ट्रेसिंग कोर एंड थर्ड जेन टेंसर कोर, एंड उसके बाद आपको 8GB ऑफ GDDR6V रैम आपको देखने को मिली इस वाले कार्ड में। सो ओवरऑल ऑन पेपर तो इसके स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड इसके जो बेंचमार्क्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकल के आए। ये वाला जो कार्ड होने वाला है ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है जो कि सोच रहे थे भाई कि 1650 या फिर 1660 या फिर 1660 सुपर के साथ बिल्ड करें, तो भाई आप उन सभी कार्ड को मतलब ना लेके अब आप RTX 3050 को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो इसके जो बेंचमार्क्स भी निकल के आए वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डूम इटर्नल में आपको 100fps मिल रहा है 1080p में, तो ओवरऑल और भी जो ई स्पोर्ट टाइटल्स है भाई तो वो मक्खन चलेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट जो भी ट्रिपल ए टाइटल्स है, जो कि न्यूली लॉन्च ट्रिपल ए टाइटल्स है, वो आप 60fps में 1080p में इजीली मजे कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड होने वाला है एक बजट कार्ड होने वाला है एंड हम बजट गेमर्स के लिए एक वरदान होने वाला है। बट सारा सवाल आता है इसकी अवेलेबिलिटी पे। वैसे तो ये ग्राफिक कार्ड जो ये $249 का मतलब इसकी MSRP दी गई है, तो मेरे हिसाब से ये जो ग्राफिक कार्ड है ये इंडिया में 20,000 से 25,000 के आसपास इसकी MSRP होने वाली है। एंड आई होप करता हूँ कि मतलब इतनी ही MSRP इससे ज़्यादा ना हो ताकि हम बजट गेमर्स इसको अफोर्ड कर पाएँ। बट उसके बाद सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है कि क्या ये अवेलेबिलिटी इसकी ये मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या हमें MSRP पे ये ग्राफिक कार्ड मिल पाएगा या फिर नहीं। तो भाई आई डोंट थिंक कि आपको MSRP पे अभी के टाइम पे 3050 देखने को मिलने वाला है, बिकॉज अभी के टाइम पे क्या है कि 1660 सुपर जैसे कार्ड जो वो 55,000-56,000 के आसपास मिल रहे हैं। एंड मेरा एक फ्रेंड है जिसने 110,000 rupees का PC बिल्ड किया है एंड उसने भाई 55,000 का 1660 सुपर लिया है। भाई उसको अगर 5,000 rupees को बढ़ा देता तो वो 3060 ले सकता था। बट आई डोंट थिंक कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब गलती से या फिर किसी भी तरह से किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं। बट ओवरऑल भाई अभी के टाइम पे एक 1660 जैसा कार्ड आपको 55,000 rupees का मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये जो कार्ड है RTX 3050 ये आपको MSRP में मिलेगा या फिर नियर भी उसके MSRP के अराउंड भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये जो कार्ड है ये आपको 50,000 rupees से कम का तो देखने को डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। अगर जो सिचुएशन अभी के टाइम पे RTX कार्ड के साथ है, अगर वही सिचुएशन इसके साथ भी होती है तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है मतलब कि 50,000 से नीचे तो आई डोंट थिंक ही मिलेगा। मे बी हो सकता है 40 के आसपास मिल जाए, बट आई डोंट थिंक ऐसा किसी भी हालत में होने वाला है। बट ओवरऑल हम सब होप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि भाई MSRP मिले। एंड अगर मुझे मिलता है ये वाला जो कार्ड MSRP पे, तो मैं इस 2022 में मैं अपना एक बजट PC बिल्ड करने का ट्राई डेफिनेटली करूंगा। सो दैट्स इट गाइस, ये वाला कार्ड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली आप ट्राई करिए इस वाले कार्ड को लेने की। एंड ये जो कार्ड है ये अवेलेबल हो रहा है 27 January से। एंड मतलब अवेलेबल की मैं क्या ही बात करूँ, अवेलेबल तो हो रहा है बट क्या रियल लाइफ में अवेलेबल होगा, मतलब रियलिटी में ये अवेलेबल होगा। दैट्स इट गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी एंड जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको फटक से पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एक काफ़ी अच्छे कीबोर्ड पे आने वाला है जो कि 60% मैकेनिकल कीबोर्ड है। सो अगर आपको उसको चेकआउट करना है तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।